अरे मुझे पता है तुझे लाल वाली पकौड़ी चटनी से चाहिए, ले आऊंगा, टेंशन मत ले तू। कौन हो गए तुम लोग, मेरे खेत में ये कर रहा, चलो भागो। तेरा खेत था, अब इस जमीन पर मेरा कब्जा है। अंगूठा लगा इस पर। नहीं लगाऊंगा। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अबे ओ बुड्ढे, कहाँ गुस्सा चला जा रही है? मुझे इलियासी भाई से मिलना। वो अब किसी से नहीं मिलते, मुझसे बात करके बात करनी है। मुझे एक अपना जरूरी काम करवाना। चल बे, यहाँ ऐसा वैसा कोई काम नहीं होता, यहाँ सिर्फ लोहे का काम होता है, चल निकल यहाँ से। साहब देख लो, मेरी जिंदगी का सवाल है, एक गुंडे ने मेरी जमीन छीन ली। बे ओ, तुझसे मना कर दी ना, ऐसा वैसा कोई काम नहीं होता, यहाँ पर निकल यहाँ से। आने दे उसको। यासी भाई, मेरे एक काम होना है। अबे ये गिराज मैंने अपनों के लिए ही तो बनाया है, अगर यहाँ पे अपनों का काम नहीं होगा तो फिर किसका काम होगा? यहाँ लोहे से ज्यादा आदमियों की मरम्मत की जाती है। बोल क्या काम है तेरा? साहब एक गुंडे ने मेरी जमीन छीन ली है, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। अगर वो जमीन मुझे न मिली तो मैं मर जाऊंगा साहब। ठीक है, तेरा काम हो जाएगा, तू निकल। भाई क्या कह रहा हूँ ये? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तू निकल, तेरा काम हो जाएगा। भाई इस काम के लिए मैं आपको कितने पैसे दूं? मुझे तुझसे 1 रुपया नहीं चाहिए, बस पार्टी फंड के लिए 1 लाख रुपए दे दे राजवीर। नाम क्या है तेरा? जगदीश। कितनी जमीन है तेरे पास? 2 बीघे सरकार। चल अंगूठा लगा इन पेपर्स पर। सरकार मेरे पास कुछ नहीं है, बस सिर्फ 2 बीघे की जमीन है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वे बुड्ढे, तू अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? भाई से मुजोरी कर रहा है। भाई ने बोला अंगूठा लगा तो लगा। सरकार थोड़े से पैसे दे दो बदले में। ये जो तू गांव वालों से उनके जमीन के पेपर्स पर अंगूठे लगवा रहा है, मान ले अगर किसी गांव वाले के हाथ कटे हुए हुए तो क्या उनके लोड़े का निशान लेगा तू? ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से गुंडी बात करने की? अभी तो गुंडी बात की है, अब देख तेरे मालिक की गांड भी मारूंगा। भाई यार मैंने तुमसे मना करी थी, बड़ी लकड़ी मत लो, अच्छा खासा काम चल तो रिया था हमारा, अब फंस गए लो। चलो बे, सब के सब मुर्गा बनो। मुर्गा मेरा कद्दू बने। अपने बाप के कहने से आज तक मुर्गा बना ना हूं, तेरे कहने से बन जाऊंगा। अबे ऐसे जाके समझा, साले की पुलिस गिरी 2 मिनट में निकाल दूंगा, कहीं मुर्गा बन पा रही हो मुझे। अरे मुझे खुद गुस्सा आया पड़ा, कहीं सूत ना दूं। अबे अभी तक ऐसी खड़े हो, मुर्गा ना बने। चलो बे उठो।
सर हमें माफ कर दो, हम तो बहुत सीधे इंसान हैं, हम तो छोटे मोटे मैकेनिक हैं बस। सर हमारा गैराज में काम चल गया था, एक बुड्ढा आ गया हमें लालच दे गया, इस वजह से हम यहाँ गए। सर हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। देखियो अबे चुब्बे, अबे इन गांडुओं के आगे भीख मांग रिया, अबे इनकी पुलिसगिरी ऐसी तैसी मेरे ला दूंगा, घर छोड़ के आएंगे चुपचाप ये। अरे मैयरी सर गलती हो गई सर, आगे से कभी ना करूंगा तुम्हारी कसम, अब से मैं गुंडागिरी खत्म कर दूंगा बिल्कुल। मैंने वैसे भी काम छोड़ रखा था, एक बुड्ढे के लालच में मैं आ गया सर, इस बार माफ कर दो, अब से कभी नहीं करूंगा। माफ ऐसे तो नहीं किया जाएगा, कुछ तो कमी है। हाँ सर हाँ, ये लो सर हम दोनों के। और इन दोनों के? अरे सर मैं क्या इन्हें जानू रंडी वालों को, इनका तुम देखो अपने आप। चलो निकलो। हाँ भाई अब तुम्हारा क्या करें? सर आज पैसे तो नहीं है मेरे पास, एक काम करो उधार कर लो, अगली बार मिलेंगे ना तो मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। अबे उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, क्यों भाई छोटे वाले तेरी गोलाई बहुत बढ़िया हो रही है आजकल, चलिए जरा रूम में। सर कहाँ लेके जा रहे हो मुझे तुम? अरे चल तो सही, छोड़ दूंगा दोनों को। सर सर अंधेरे में मत लेके जाओ। नॉर्थ अमेरिका, इतनी बड़ी बेइज्जती तो आज तक ना हुई जितनी आज हुई है हमारी। भाई मैंने तुमसे पहले ही मना करा था इस काम को मत करो, लेकिन तुम्हारी बातें, तुम्हारे उसूल, तुम्हारी कमेंटमेंट, अब घुस गई ना तीनों बातें कान में। बदला तो लिया जाएगा, जितनी हमारी उन लोगों ने बेइज्जती की है ना, उस पुलिस वाले से भी बदला लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले सरकार से बदला लिया जाएगा। क्या हुआ मेरे काम का? हुआ नहीं, वैसे तो बड़े बदमाश बनते हो। अबे मुझे पता थी तुम दो कौड़ी के गुंडे हो, तुमसे ना होने का, इससे अच्छा तो मैं पुलिस वाले को पैसे दे देता तो मेरा वहां काम हो जाता। चल निकल यहां से, चल निकल, वे निकल। राजवीर हुकुम करो भाई, क्या करना है? बात अब इज्जत पे आ गई, बदला लिया जाएगा, चुन चुन के बदला लिया जाएगा। चाहे मुझे अपना कारोबार, धन दौलत कुछ भी बेचना पड़ जाए, पर मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। भाई उस जमीन का क्या करना है 10 बीघे वाली का? जमीन को छोड़ दे, अब पहले लिया जाएगा बदला। सही कह रहा हूँ भाई, बदला तो जरूर लेंगे, उस इलियासी से भी और उस पुलिस वाले से तो जरूर ही लेंगे। उसने साले ने मेरी ऐसी तैसी मार दी, ऐसा दांत बीच बीच के मेरी गांव मार रिया, सांस भी ना रिया तो मुझे कुछ देर, और साला लोंडा होकर लोंडे के चुम्मे ले रिया होटो के, उसे छोड़ेंगे नहीं भाई। तू टेंशन मत ले, अब जो होना है वो तुम उस पे छोड़ दे। सर एक सरकार नाम के गुंडे ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया, वो जमीन मैंने अपनी मेहनत से और पाई पाई जोड़कर खरीदी थी, मैं उस जमीन को खोना नहीं चाहता। अच्छा फिर? फिर सर मैं एक लियासी नाम के गुंडे के पास गया अपनी जमीन छुड़वाने, और मैंने उसे 1,00,000 रुपए दिए, उसने मेरे पैसे भी छीने, मुझे मारा भी और मुझे भगा दिया। ओ तो इसमें मैं तेरी क्या मदद करूं? सर एक मिनट बाहर चलोगे? हाँ भाई बता। सर ये लो 5,00,000 रुपए, चाहे उन गुंडों को पकड़ो या मारो मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरी जमीन चाहिए। चल ठीक है हो जाएगा, तू निकल यहाँ से। अरे 5,00,000 रुपए के चक्कर में तो मैं अपने बाप को मार दूं, ये सरकार और इलियासी क्या है? हाँ भाई ये सरकार और इलियासी का क्या सीन है? सर सरकार और इलियास में आपस में बनते नहीं है, कटी पर है मैं कटी पर। अच्छा फिर तो और भी मजा आएगा। कहाँ छुप के बैठ गए दोनों के दोनों, कहीं डर के हमारे बिल में तो ना घुस गए किसी? अरे भाई तुम्हारी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सालों को मैं ही काट के फेंक दूंगा। सिगरेट दे बे। एक सिगरेट दे दिए जरा। अपने बाप को बोल गया क्या? दो ले सिगरेट है। मैं लेना। भाई ये तो दोनों वही भंडेले है। भाई ये वो कुत्ते की दुम है जो हमेशा टेढ़ी रहेगी, सीधी नहीं हो सकती। अरे दुमी तो टेढ़ी है, लोड़ा तो सीधा इसे चूस ले। आज तुम खुद मौत के खेल में आ गए,
अबे मौत से खेलना तो हमारे बचपन का काम है। पप्पू तू? बबलू तू है क्या? हाँ मेरे भाई पप्पू मैं हूँ, पहचाना तूने मुझे? बबलू मेरे भाई, ईद मुबारक हो मेरे भाई। आपको भी बड़े भाई ईद मुबारक हो। तू यहाँ पे खोखे पे क्या कर रही है बुजदिलों की तरह? घर चलना, अम्मी बुला रही है। चलो यार पप्पू तू पहले से कितना बदल गया। हाँ भाई स्मार्ट हो गया ना पहले से। नहीं स्मार्ट तो नहीं हुआ, गंदा तो तू अब भी है। तुझे अपने बचपन की पुरानी बातें याद है? हाँ भाई सब बातें याद है यार। अच्छा जी, तुझे वो याद है जब तू बचपन में पैंट में हक देता था? हाँ वो याद है, लेकिन उसके बाद साफ भी तो तुम ही करे करे। और तुझे वो याद है साफ करने के बहाने से मैं तेरी गांड भी मार लिया करता था? पुलिस? क्या हुआ, मुझे सामने देख के फट गई क्या? तुम दोनों में तो झगड़ा रहता था, दोनों नाली के कीड़े आज एक साथ कैसे? चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है, सबको एक साथ मार दूंगा। पर इंस्पेक्टर साहब हमने ऐसा किया क्या है जो आप हमें मारने के पीछे लगे हुए हो? तुम लोगों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उस बुड्ढे का बहुत कुछ बिगाड़ा है। उस बुड्ढे ने ही मुझे तुम्हें मारने की सुपारी दी है, और आज तुम्हारा खेल खत्म।